Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and today I'm gonna react on Isma's vlogs of the mosque and I'm super excited for it. So without any further delay, let's get started. Assalamualaikum guys, welcome. Waalaikumsalam. आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सॉरी अभी मेरी मरी हुई आवाज आ रही है क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ. And अभी I think यार nails देखो इसमें के इसमें बंदा ready कैसे होता है. ये makeup भी करते हैं, dress भी change करते होंगे, वो सब छोड़ो अपना तो basic करते होंगे ना. I think जो लोग देख रहे हैं उनके लिए 2 घंटे बहुत कम होंगे, but हम लोग के लिए 2 घंटे बहुत ज्यादा है. Talent देख रहे हो. I remember जब हम लोगों ने काठमांडू से पुखारा, फिर पुखारा से काठमांडू गया था, तो 8 घंटे लगे थे या 9 घंटे लगे थे. तो यू आर डाइंग, यू आर सीरियसली डाइंग, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट रोड ट्रिप जो इतनी लॉन्ग थी, क्योंकि दुबई में इतना लॉन्ग ट्रिप नहीं होती है. मतलब 2-3 आवर्स मैक्सिमम, 3 आवर्स में दुबई पूरा UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ख़त्म हो जाएगा. तो मैंने कभी इतनी लंबी रोड ट्रिप करी भी नहीं थी, तो इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम इन नेपाल जो मैंने इतनी लंबी रोड ट्रिप की थी. सो आज 2 घंटे की ऑलमोस्ट 2 घंटे की कैन से की रोड ट्रिप होगी. तो हम लोग जाने लगे हैं अबू धाबी, और अबू धाबी मॉस्क भी जाएंगे क्योंकि वो ऑफकोर्स वो बहुत फेमस है. ओके, मैं वहाँ पे गई थी जब मैं बहुत छोटी थी. आई थिंक आई वॉज अराउंड 8 ईयर्स ओल्ड. तो मैंने लास्ट विजिट जब किया था, एंड नाउ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, एंड इट्स बीन ईयर्स कि मैं नहीं गई. ईयर्स लाइक सो लॉन्ग यार, मतलब कितना टाइम हो गया मैं नहीं गई हूँ. तो अबू धाबी गई थी मैं, आई थिंक 5 ईयर्स बैक, बट अभी रिसेंटली तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई. आई विल कीप सम कैजुअल ड्रेस, अभी मैं प्रेस ही कर रही थी, मैं दिखाती हूँ. बट वहाँ पे जाकर आई विल चेंज इन टू सम शलवार कमीज, वाइट शलवार कमीज पहनूंगी मैं फिर. यस, तो अभी मैं कुछ ऐसा पहनने लगी हूँ, तो ये ऑफ वाइट शर्ट है, ठीक है. आई थिंक कैमरा वाली थोड़ी ऑफ वाइट है, और इसमें फ्लावर्स की डिटेल्स हैं विच आई फाउंड क्यूट, सो आई वाज लाइक ये पहन लेती हूँ. और ये पैंट मैंने इसके साथ मैचिंग करके लगाई है, क्योंकि जा रही थी ना, सेम है ना. ओके, तो अभी मैंने इसे प्रेस कर लिया, अभी मैं अपना दूसरा ड्रेस प्रेस करके आप लोगों को दिखाती हूँ. सो मैं वहाँ पर जाके चेंज करूँगी, बेसिकली आई थिंक मस्जिद के टाइम पर. तो वो ये वाला ड्रेस है. आई एब्सोल्युटली एडोर वाइट आउटफिट्स, लाइक आई लव देम सो मच, बट बेटा जो है वो ऐसा है, तो इस पर जब रखो तो काफ़ी खिल जाता है. तो ये ड्रेस है जो मैं अपने साथ रख के लेके जाऊँगी, और वो जो अभी थोड़ी देर पहले वो वाला दिखाया था वो मैं पहनूँगी. सो यस, तो अभी इसका तो काम हो गया, इसे मैंने जगह पे रख दिया है, और अब आई एम गोइंग टू स्ट्रेट माय हेयर बिकॉज आई थिंक इट डजंट लुक गुड. क्योंकि कल तक तो ये सही थे जब मैंने वो छोटी बनाई थी, बट अभी इसको एक दिन हो गया है. सो मैं इनको स्ट्रेट करने वाली हूँ, और उसके बाद फिर मैं रेडी वगैरह होंगी, एंड आई विल ट्राई टू कीप दिस व्लॉग अ बिट इंफॉर्मेटिव रेदर देन मस्ती वाला. मतलब वो भी होगा, बट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए ना थोड़ा बहुत. सो मैं ट्राई करूँगी. अभी मैं अपने बाल आप लोगों को स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, कितने जंगली लग रहा है ना. लुक एट दिस, अभी अभी तुम लोग देखना. ऐसे लग रहे हैं, मुझे तो स्ट्रेट बाल भी अच्छे लगते हैं, कर्ल भी अच्छे लगते हैं, बट स्ट्रेट में ये है कि बहुत नीट एंड क्लीन लुक आता है. मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बाकी जब सब उठेंगे तैयार होने लगेंगे तो फिर मैं भी तैयार होंगी. कुछ ज़्यादा नहीं, लाइटें करूँगी, और तैयार होने के बाद फिर लुक दिखाऊंगी, ठीक है. एज ए एज माई मेकअप आई क्रिएटेड अ रियली सटल लुक. आई ट्रांजिशन देख ही रहे हो 1 मिनट में, ये जो लेंस होते हैं ना आपको, ये का टाइम है, और क्या ही लुक देते हैं. मतलब धूप धूप भी हो जाएगी थोड़े टाइम में. सो मैंने स्किन केयर किया है, उसके बाद बस मेकअप करा. मैंने आज फाउंडेशन यूज़ नहीं किया, सो मेरी स्किन थोड़ी डिफरेंट भी लग रही होगी, बट आई लाइक माई स्किन विद और विदाउट माई फाउंडेशन, बिकॉज आई वॉज नॉट अ फाउंडेशन गर्ल बैक देन. वो तो अभी 1 साल हुआ है आई स्टार्टेड यूजिंग फाउंडेशन, अदरवाइज आई जस्ट यूज टू अप्लाई कंसीलर अंडर माई आईज एंड समटाइम्स हेयर, दैट्स इट. सो अभी मैं चेंज करके फिर अपना कंप्लीट लुक आपको शो करती हूँ. Guys, here's my complete look. Wow, अभी पूरा आउटफिट दिखाती हूँ.
लिपस्टिक मैंने ग्लॉस हटा दी और फिर लाइट कर दी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि बहुत डार्क है, डार्क थी ना। अच्छा हुआ मैंने लाइट कर दिया। सो हाँ, मैं भी अपना लुक दिखाती हूँ। As here's my full outfit. Nice. I kept it very basic, simple, क्योंकि यार सिर्फ रोड ट्रिप है, उसके बाद तो मैं वैसे भी दूसरा वाला पहनने लगी हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है। सो दैट्स इट। अभी भी हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, हम सब कार में आ गए। ये एक कार है जिसमें हम सारे हैं, बिलाल, पापा, मम्मा और हाय बोलो, बिलाल हाय बोलो, मम्मा हाय, और वो जो पीछे ब्लैक कार आप लोग देख रहे हो ना, इसके अंदर अलीजे सब लोग उसके अंदर है। सो यार हमारा यंग ग्रुप टूट गया आज। गाइस अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने लगे हैं, दोनों गाड़ी डालेंगे पेट्रोल और फिर डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे अबू धाबी के लिए। हम लोग अबू धाबी में एंटर हो चुके हैं, एग्जैक्ट प्लेस को आने में अभी भी टाइम है, 50 मिनट्स हैं अभी भी। सो देखो कितना वैरान है, पहले पूरा दुबई ऐसा हुआ करता था। पहले पार्किंग मिल गई है बेसमेंट की, हम लोग इतना घूमे पूरा ऐसा 15 मिनट हमें उन्हें पार्किंग में घूमने में लगा दिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए थी विजिटर्स प्लस, क्योंकि हम लोग प्रे भी करेंगे, मैं प्रे करूंगी, मैं भाई पे प्रे करूंगी, तो इस वजह से हमें दोनों के लिए चाहिए थी। तो अभी हम लोगों को इन्होंने अच्छे से गाइड किया, उनको इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे आओ, बेसमेंट अंदर है, बेसमेंट ये थी ड्रोनी है, बहुत डार्क है गाइस। ओ यार अबू डार्क है ना ये, हाँ चश्मे हटा दो। अच्छा चश्मे सनग्लासेस पहने थे इस वजह से ज्यादा डार्क लग रहा था। आप लोग एंटर हो गए, आप लोगों को डिस्कवर यूएई और इतना कुछ देखने को मिलेगा। तो इट्स लाइक अ मॉल, मतलब आपको मस्जिद भी मिलेगी बट मस्जिद के आस जैसे आस पास अगर विजिटर्स आते हैं तो स्टार्टिंग ऐसे देखो मॉल के साथ हुई है। आई कैन नॉट लीव इट द सेम प्लेस, डैम ये कितनी बदल गई यार। ये मॉल वगैरह कुछ भी नहीं था पहले, जब था जब मैं 8-10 साल पहले आई थी तो पूरा का पूरा मस्जिद बनी हुई थी सिर्फ, और एक ना मैदान दिया हुआ था, मतलब एक एम्प्टी प्लेस थी पार्किंग की। बट अभी देखो, ओह वाओ आई लव दिस, ये देखो यहाँ पे अरेबिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं। इसी ये अरेबिक ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, अगर किसी को नहीं पता, ऐसे ऐसे मैंने कुछ अपने टिकटॉक की वीडियोस में भी पहने हैं, और फिर नॉर्मल घर में पहनने के लिए वैसे, और ये लड़कों का ऐसा होता है कुछ, कितना प्यारा है ना। एंड ये इनमें बहुत स्पेशल होता है, ये जो है ना दिस थिंग, I forgot what it's called, but this is really special. See, ऐसा कुछ है ये मॉस्क, मॉस्क यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए मिलेगी, और लाइब्रेरी भी है। ओह वाओ लाइब्रेरी भी है, वाओ सो गुड। यहाँ पे इन्होंने ऐसे गाइड्स भी दी हैं। तो अभी हमें मॉस्क भी आना है थोड़े टाइम में, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यूश भाई अयपी और फुल फैमिली का, क्योंकि वो दूसरी कार में, तो उनको बिलाल ऊपर से पिक करेगा और फिर हम सारे जो हैं यहाँ से ऊपर जाएंगे मॉस्क में। अभी मैं मम्मा पापा के पास जा रही हूँ क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग में खड़े थे, तो मुझे बड़ा शौक था ये सारी चीज़ें देखने, क्योंकि ये सब बहुत न्यू बना हुआ है, मैंने नहीं देखा, तो मैं तो भाग कर आ गई ब्लॉगिंग के लिए भी। अभी जाती हूँ वापस जल्दी जल्दी से। सो गाइस अभी बिलाल और मैंने चेंज कर लिया है, हम दोनों ने मैचिंग करी है, अच्छे लग रहे हैं हम दोनों, प्रॉपर कपल वाइब्स दे रहे हैं हम लोग। कैसे लग रही हूँ मैं, मतलब और तारीफ करो, बोलो बहुत क्यूट लग रही हो। चलो अभी थोड़ा सा मैंने टचअप किया है, पानी लिया है, और अभी हम लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बिलाल आर यू एक्साइटेड? फर्स्ट टाइम है ना मस्जिद? नहीं है अच्छी वाली मस्जिद है, नहीं ये वाली अच्छी मस्जिद है, इसमें बहुत कुछ स्पेशल है। ये पूरे यूएई में बहुत मानी जाती है क्योंकि ये बहुत प्यारी बहुत बड़ी है, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं। हाँ ये तो वो टूरिस्ट की बनाई हुई ना, तो ये बहुत बड़ी है, वो तो है बट अच्छी है, बहुत बोरिंग बंदा है। सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये सारे भी तैयार हो गए। ईश भाई अपना आउटफिट दिखाओ, वाह मस्त आईपी, शो योर आउटफिट। ओ अनिल मामा और अभिषेक मामा व्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं, उन्होंने भी ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है। वाला घूम गए, ये वाली जगह है ऊपर जाने की, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। मैं सबको गलत जगह ले आई, नीचे से ही जाना है। मेरे हाथ कांप रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन यार लुक एट द व्यू बिलाल, हम दोनों, उफ मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्योंकि मैं इस चीज से बहुत डरती हूँ, एंड प्लस अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, माय हैंड्स आर शेकिंग। हाँ, इस वो ऊपर जो हम जा रहे थे वो ऊपर नहीं जाना था, तो वहाँ से हम लोग नीचे आ गए। अभी बिलाल जो है वो टिकट्स कर रहा है, और टिकट्स करने के बाद हम लोगों को अभी डायरेक्ट इन्होंने नीचे से ही यू नो अंडरग्राउंड मॉल का सॉरी मॉस्क का निकाला हुआ मस्जिद का, तो हमें अंडरग्राउंड से हम निकल जाएंगे। अंदर आते हुए देखो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखे हुए हैं कि फुल ऐसा ये पी जैसा हिजाब होना चाहिए, पे देखो इधर ऐसा हिजाब होना चाहिए। देखो यहाँ पे ड्रेसेस का बताया हुआ है कि ये पहनना है और ये नहीं पहनना है। कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, फुल बहुत हसीन है। वहाँ से चल के आने के बाद गाइस देखो इन्होंने ये पूरा बताया हुआ है कि ये कैसी है प्रॉपर मॉस्क, जो माशाल्लाह बहुत बड़ी है ये। अभी इसका इन्होंने जो ये करके बनाया हुआ छोटा सा कि फुल शो हो सके। बिलाल व्हाट इट्स कॉल्ड, व्हाट्स दिस कॉल्ड? हाँ, कि ताकि पूरा समझ में आए। अभी हम लोग कहाँ पे, अभी हम लोग बैक साइड पे आए गाइस। हाँ, तो ये पूरी मस्जिद है, अभी हम लोग मस्जिद के अंदर जाएंगे। उन्होंने एक मॉडल, इसे मॉडल बोलते हैं, मुझे याद आ गया। हाँ, तो उन्होंने एक मॉडल करके बनाया हुआ है, जो मतलब रियलिटी का एक छोटू सा मॉडल। देखो पिक्चर्स ले रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। उन्होंने मुझे अंदर अलाउ नहीं किया, एंड आई हैव टू बाय अबाया। अब मुझे अबाया पहन के वापस अंदर जाना पड़ेगा। ओह आई हेट दिस, और मुझे मेरे साइज का भी नहीं मिल रहा। लोग बिलाल ने मेरे लिए क्या ढूंढा है? ये नहीं आएगा आई थिंक। बिलाल वी कैन ट्राई। तो आई बॉट दिस जादू टाइप का अबाया, क्योंकि ओह शिट फिर से गया। सो क्योंकि यही मिल रहा था, इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं मिल रहा था, सो मुझे यही लेना पड़ा। और आई थिंक मुझे अपनी पिक्चर्स और बाकी का व्लॉग इसमें ही करना होगा जब तक मैं मस्जिद में हूँ। हम लोगों ने वो पासिंग वाली जगह क्लियर कर लिया, तो बेसिकली जो भी आपकी बिलोंगिंग्स होती हैं उसको जस्ट लाइक एयरपोर्ट पे करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, तो यहाँ पे भी स्कैनिंग होती है। तो अभी स्कैनिंग वगैरह हो चुकी है और अभी हम लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। लाल मैं कैसी लग रही हूँ इसमें? आपको प्यारी लग रही हो छोटे से? अगर मैं ना बोलूं तो बोलूंगी। हाँ तो नहीं, अभी आप सच सच बोलो। नहीं मैं थोड़ा सा जादू लग रही हूँ इसमें यार। जादू होता है ना, बेइज्जती प्रोमाइज कर दी। ऐसे उन्होंने कितना प्यारा बनाया हुआ है, और ये फ्लिपकार्ट भी है अगर कोई चल नहीं सकता तो ज्यादा उनके लिए। देखो अभी ये थर्ड मैं वो क्रॉस करके आ चुकी हूँ, कितना लंबा है, और अभी तक मस्जिद स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये मस्जिद के थोड़े से इन्होंने ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं, थोड़ी ऐसी दिखती है। अभी जाऊंगी तो बताऊंगी आप लोगों को। अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं, और ये हमें फ्री अम्ब्रेला भी मिली है, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ गर्मी है, सो अगर नहीं उसकी तो इंसान तो वैसे भी होश हो जाएगा डिहाइड्रेशन से। सो अभी हम लोग जाने लगे हैं मस्जिद में। व्यू माशाल्लाह बहुत प्यारा दिखाती हूँ। तो गाइस माशाल्लाह से ही व्यू है, देखो कितना हसीन है, सो ब्यूटीफुल। कसम से जब मैं पहले आई थी ना, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था, इट वॉज सो डायरेक्ट, एंड आई विश आज भी वैसे ही होता। बट बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, तो उनके लिए इतना ऑप्शन कर दिया इन्होंने। तो अभी हमें यहाँ कहीं से जाना है, ठीक है, सबके साथ हम लोग रीयूनाइट हो गए, तो अभी जाएंगे अंदर। पता नहीं कभी अंदर जाएंगे, कसम से यार अजीब सिस्टम कर दिया इन्होंने। इतना ड्रीमी लग रहा है ना यहाँ पे, मैं वीडियोस नहीं ले पाई। इंशाल्लाह फिर से आऊँगी यहाँ पे ठंड के मौसम में नमाज पढ़ने के लिए, फिर अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो कितना प्यारा लग रहा है। फाइनली हम लोग मस्जिद में आ गए, इतना चल के देखो कितना चल कर आए हैं अभी फाइनली मस्जिद में माशाल्लाह से। जो इन्होंने ये पूरा बनाया हुआ है, ये फुल जो इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसमें पूरी डिटेल्स हैं, ठीक है। ये देख सकते हो तुम लोग कितना प्यारा बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है, ड्रीम जैसा लग रहा है। देखो गाइस मस्जिद कितनी हसीन बनाई हुई है यार, सो ब्यूटीफुल, बहुत ड्रीमी है। अभी मैं यहाँ पे जाने लगी हूँ, ये अभी दूसरी एंट्रेंस है, वहाँ से जाऊँगी मैं। अभी देखते हैं वहाँ पे क्या है। व्यू है, वाओ बहुत प्यारा है यार। अच्छा कुछ चीज़ें स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ये देखो इतनी गर्मी में मैं आप लोग के लिए व्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करो यार, बड़े कितनी मेहनत से बनाती हूँ तुम लोग के लिए व्लॉग, तो लाइक कमेंट नहीं कर तो प्लीज़ लाइक कमेंट। यश भाई का सॉन्ग फाइनली ट्रेंडिंग वन पे आ गए। अभी यश भाई से पूछना, यश भाई कैसा फील हो रहा है? यश भाई हाउ यू फील?
आयुष भाई आज पार्टी चाहिए। अरे क्या पार्टी, 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 पार्टी। ये देखो गोप्र काल भी ये नंगा कर रहा है पार्टी। अभी हम लोग सब लोग जाने लगे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी दिखाती हूँ। ये फ्री की गाड़ी है तो ये हमें जानते हैं, ये हमें जानते हैं। और ये गाड़ी में अभी हम सब बैठेंगे। ओके लेट्स गो। हम सब बैठ गए, अभी हम सब जाने लगे हैं। सही है, ये व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने पहले भी दिखाया था बट यहाँ से कितना हसीन लग रहा है इसको। फुल मॉस्क का व्यू यहाँ से आप लोगों दिख जाएगा कि फुल मॉस्क का व्यू बहुत प्यारी है। बस अभी हम लोग जाएंगे, बहुत सुंदर। तभी हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। बस अब फाइनल बाय बाय। इन लोगों ने रुक के पिक्चर्स वगैरह ली थी, अब बस फाइनल बाय बाय। और माशाल्लाह बहुत हसीन था, बहुत अच्छा दिन गया यहाँ पे। गर्मी थी बट वी सर्वाइव्ड। सो यस गाइस, गाइस लकली हम लोगों को नीचे भी ये वाली कार मिल गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ से आए थे, और बस फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बिलाल अच्छा लग रहा है ना आपको? नहीं भाई, बहुत बाय मामा, बाय। तभी हम लोग इस जगह से निकलने लगे एंड द एक्सपीरियंस वॉज रियली नाइस। बहुत अच्छी जगह थी। जस्ट वन थिंग कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और मतलब पहले जैसी बात नहीं रही आई मस्ट से। बट चलो कोई नहीं, आप लोगों को आई होप अच्छा लगा व्लॉग। देखने में कहाँ जा रहे हैं प्लान? रॉन्ग टर्न क्यों लिया तुमने? ये क्या हुआ प्लान? कोई बात नहीं, हम लोग गए खोरफुरकन की तरफ निकले हैं, बट लग रहा है हमें यू टर्न मिल जाए और हम लोग ज़्यादा ना भटके। थोड़ी देर की ड्राइव रह गई थी यार घर की, और मैं गाड़ी में सो भी गई थी। फिर हम लोग रुके, कुछ खाया, और अभी हम लोग वापस जाने लगे थे, तो एक रॉन्ग टर्न हो गया। बट कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ा सा और लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। थक गए ना अपना गाड़ी चला चला के? कैसा फील हो रहा है? सोच रहा था मैं घर पे जाके अभी सोऊंगा, चलाओ गाड़ी शाबाश। चारों को देखो, हमारे यहाँ से यू टर्न मेरी हालत ऐसी ठीक है। मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं व्लॉग एडिट करने लगी थी। मैंने सोचा अरे यार ये क्या, मैंने तो एंडिंग को शूट ही नहीं किया। तो अभी मैं एंडिंग करने लगी हूँ। गाइस मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट। तो क्या लाइक करना, तुम लोग वैसे भी करना पड़ेगा। अच्छा खैर, तो गाइस जो लोग उतने व्लॉग देखे वो समझ रहे यार रिश्मा बोल रही इतनी बड़ी मौज के और इतना सा रिकॉर्ड करेंगे। मैंने अभी जब व्लॉग की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखी ना, मैंने रियलाइज किया कि यार मैं बता देती हूँ अभी से, इट इज़ ह्यूज। ओके, द मॉस्क द मस्जिद इज़ लाइक ह्यूज, आई कुड नॉट कवर इट। ऑफकोर्स इतनी गर्मी हो रही थी। सो इंशाल्लाह फिर कभी अगर मौका मिला तो मैं एक और व्लॉग भी कर लूँगी, बट अभी वेदर नहीं है यार ठीक बिल्कुल भी। माई स्किन लाइक इट्स ऑलरेडी गॉन, हालाँकि मैंने इतना SPF लगाया था एंड स्टिल इतने ब्रेकआउट्स आ गए जो कैमरा पे नहीं दिखता है। सब लोग मुझे क्या लगता है ना, लेकिन रियलिटी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रूम है आपका। ओके सो ये था व्लॉग। सबसे पहले तो मोस्ट का जो वो मॉडल दिखाया ना उसमें जो दिख रही थी कितनी प्यारी थी, और वो थोड़ी थोड़ी जो क्लिप्स दिखाई ना वो कितनी खूबसूरत है यार सच में। ऐसी चीजें देख के मतलब ऐसे देख के तो अच्छा लगता है, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप रियलिटी में वो चीजें देख रहे हो, आपको कितना सुंदर लगेगा ना, कितना अच्छा लगेगा। तो वो चीजें हैं, और या ओवरऑल अच्छा लगा देख के, नाइस। एंड मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, इज माई सो सो क्यूट सो बबली मतलब, लेकिन एज मुझे आज पता चली है। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।